भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने सरकार पर निशाना साधा। मंत्री नवाब मलिक ने घोषणा की थी कि राज्य के लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा और टीकाकरण की लागत राज्य के खजाने द्वारा वहन की जाएगी। बाद में राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी टीकाकरण के बारे में ट्वीट किया। हालांकि ट्वीट को जल्द ही निकाल दिया गया। भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। 18 साल से ऊपर के सभी को फ्री में लगाई जाएगी वैक्सीन। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर ने हाहाकार मचा रखा है। रोजाना यहां 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं 300 से ज्यादा लोग प्रतिदिन अपना दम तोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह फैसला ऐलान किया। 318 ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर से भारत बुरी तरह प्रभावित है। रोज न जाने कितने ही लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। देश में चल रहे ऑक्सीजन संकट को देखते हुए विकसित देशों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कंटेनर भारत भेजे, जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हिमाचल के 4 जिलों में 10 मई तक नाइट कर्फ्यू। राज्य में कोविड मामलों की संख्या में तेजी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को 4 जिलों जो कि है कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल की आधी रात से 10 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में आने वाले सभी विजिटर्स के लिए 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। नक्सलियों ने रेल ट्रैक उड़ाया। हावड़ा मुंबई रूट बाधित। पुलिस दमन और 5 राज्यों की पुलिस के संयुक्त अभियान के खिलाफ नक्सलियों के भारत बंद के दौरान रविवार की देर रात माओवादियों ने झारखंड के चाईबासा में रेल ट्रैक को उड़ा दिया। आधी रात कोई 2:30 बजे लोटा पहाड़ सोनुआ के बीच हावड़ा मुंबई मेन रेल रूट को निशाना बनाया गया। इससे हावड़ा मुंबई रूट सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। लंबे समय बाद माओवादियों ने झारखंड में रेल ट्रैक को निशाना बनाया है।